यंगस्टार्स ट्रस्टमार्फत आरोग्य शिबिर विरार पूर्वेकडील सहकार नगर येथील फाटक स्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. याप्रसंगी आरोग्य शिबिरात माजी नगरसेविका प्रतिभा पाटील, ईशना झा माता चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष श्याम यादव, समाजसेवक किशोर पाटील, देवेंद्र झा, निषाद चोरगे, सुनील पांडे, बालकृष्ण मिश्रा, धनंजय झा आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती. शिबिरात 411 जणांची तपासणी करून औषधे देण्यात आली तर 341 जणांना मोफत चष्मा वाटप करण्यात आले. सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी झोपडपट्टी सेलचे अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, कमलेश मिश्रा व कार्यकर्ते यांनी मेहनत घेतली. प्रदीप जी, क्या कहेंगे आज के कैंप के बारे में? देखिए सर, कैंप तो अक्सर हम लोग लगा रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए. विकास पुरुष माननीय श्री हितेन ठाकुर जी का निर्देश है कि आप समाज सेवा कीजिए. हम लोग जो है, हमारे जो बहुजन विकास आघाड़ी के संगठक सचिव है माननीय श्री अजीव पाटिल जी, उनके दिशा निर्देशानुसार सरकार नगर फुलपाड़ा में कंटिन्यू 2 महीने से हमारा कैंप चल रहा है. अभी ये 8वां कैंप है और हम पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं. हमारे वरिष्ठों का, जो भी हमारे वरिष्ठ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए प्रशांत राव जी है, हार्दिक राव जी है, महेश पाटिल जी है, प्रफुल्ल साने जी हैं, विलास बंधु चोरगे जी हैं, सभी वरिष्ठों का हमको सहयोग मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है और उन्हीं के मार्गदर्शन और सहयोग से हम पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं और उसी का प्रयास कर रहे हैं. अभी आगे भी हमारा 14 तारीख को गांधी चौक फुलपाड़ा में, 21 तारीख को जो है हम कोशिश करेंगे कि जुदानी पाड़ा में, और 26 तारीख को हमारी जो प्रथम महिला महापौर है सौभाग्यवती प्रवीणा हितेन ठाकुर जी, उनका जन्मदिन है, उसके शुभ अवसर पे फुलपाड़ा में हमारा जो है बहुजन विकास आघाड़ी झोपड़पट्टी सेल का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन भी है. जुदानी मंदिर में जो है मेडिकल शिविर का प्रोग्राम है और भी 3-4 कार्यक्रम हम लोग उस दिन लेने वाले हैं जिससे कि पब्लिक को कुछ फ़ायदा हो. सर, इस कैंप में क्या क्या सुविधा है? इस कैंप में आंखों की जांच हो रही है, मुफ्त चश्मा वितरण हो रहा है, पूरे बॉडी का चेकअप हो रहा है, मुफ्त में दवा दी जा रही है, यही सब हो रहा है. सर, ये आगामी नगरपालिका चुनाव के संदर्भ में देखे जाए तैयारी? नहीं, ये हमारा जो काम है वो हमेशा चलते रहता है. कोरोना काल जब स्टार्ट होने को आया था उसी समय हमारे स्वर्गीय माननीय श्री इंग्लेश पांडुरंग इंग्लेश जी का बर्थडे था, उसी दिन से हमने पूरे वसई तालुका में फर्स्ट मास्क वितरण जो है माता प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री श्याम यादव जी के सहयोग से हम लोगों ने उस दिन से स्टार्ट किया था और कंटिन्यू जो है अपना लॉकडाउन के पीरियड में जो यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो सरकार नगर फुलपाड़ा ज़्यादातर एक कर्मचारी वर्ग का क्षेत्र है. यहाँ पे बहुत से मीडियम वर्ग और जो है मीडियम से नीचे के वर्ग के लोग रहते हैं, उनका रोजी रोजगार छिन गया था. तो हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि उनको हम लोग राशन वगैरह या मान लीजिए स्कूल का फीस वगैरह जो भी हमसे बन पाया हम लोग तभी से करें. हमको इलेक्शन से मतलब जो है इलेक्शन के टाइम पे हम चुनाव की बातें करते हैं.